हेलो दोस्तों, आज हम एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो कि 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो करेंट अफेयर्स बहुत ही मायने है। अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो आप लोग आज से हमारे साथ जुड़ जाइए। एडुटेरिया जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है करंट अफेयर्स का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिए। आज हम पार्ट 2 में 6 से 10 सेट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो न्यू है और आप लोग का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को। तो जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा मिल सके। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में दीजिएगा और देखिएगा आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ। तो इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फंड रिपोर्टिंग एवं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर आ जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने विभाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कैच द रेन की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था? तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, I am and I will इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्जमेंट के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा दलाई लामा, जो कि चीन के रहने वाले, चीन तिब्बत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सक केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सक केंद्र खोला गया। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस पड़ोसी खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धौली गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, मार्च 2021 में भारत जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121 स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो आंसर सी हो जाएगा, नॉर्वे का सड़क दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़क है। नेक्स्ट, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्टम वेंकट राव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बना है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्द में बदलाव करने का घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्द में बदलाव करने की घोषणा की। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? तो आंसर हो जाएगा, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्टेट लॉन्च ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा, नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर डी, बंगलोर हो जाएगा। बंगलोर में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस राज्य में जल अभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जल अभिषेक जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नर्मदापुर होशंगाबाद के नाम बदलकर नर्मदापुर रखने का घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है?
तो आंसर डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने COVID-19 के कारण 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विश्व पर्यटन संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। तो आंसर भव्य लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बेकानोर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक का एम को लॉन्च किया। तो आंसर रूस, रूस ने आर्कटिक का एम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर दक्षिण कोरिया जो है दुनिया के सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल कोई विश्व की पहली खेप प्राप्त की। तो आंसर हो जाएगा बी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नमूदरी का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। तो आंसर हो जाएगा मलयालम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस ने। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई। तो आंसर पंजाब, पंजाब ने कोविड फतह अभियान की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारलिंग परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्पेस एक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 16.5 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया। तो आंसर सी हो जाएगा 74%। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था। तो आंसर हो जाएगा सी, सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स, जो 2020-21 का आर्थिक थीम था, सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स। दोस्तों, अगर आप लोग इस बुक का PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जहां से आप इस बुक का फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एक बार ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट सेट है प्रैक्टिस सेट 7 नंबर। दोस्तों, इसमें टोटल 6 से 7 तक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सेट नंबर 7 पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन
किस देश में क्या क्या, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। अगर नए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो आंसर पीवी सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की, तो आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 7 वर्ष पूरे हुए, तो आंसर भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो आंसर सी हो जाएगा, भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन निधि 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो आंसर ए, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग सपोर्ट जो है ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ले में पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर 40वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 दिवसीय माडू महोत्सव का आयोजन किया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने माडू महोत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा, SN सुब्रमण्यम को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया, तो आंसर डी, केरल हो जाएगा, केरल ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केरल में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 4वां वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोजा जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, यह किस देश में की गई, तो आंसर इंडोनेशिया में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर डी हो जाएगा, केन विलियमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस फॉर्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट हुड से सम्मानित किया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है किस नाम जिसे नाम दिया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो इसका आंसर एयर इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर सवारो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? तो आंसर हो जाएगा बी, किर्गिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और ये बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट बनाएं कि नहीं बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा, केन बेतवा नदी लिंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो आंसर सी, फ्रांस जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? तो आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर सूर्यवाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया? तो आंसर राम के नाम पर जो है रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुलमर्ग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा, यूसुफ पठान ने संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 16 का संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फिल्म जगत से। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया? तो इसका आंसर सी, पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो इसका आंसर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चैलेंज वन उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर बी हो जाएगा, ट्यूनिशिया। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर बी हो जाएगा, यशविनी देसवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBIN नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आंसर म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो आंसर मॉरिशस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो आंसर सी शिक्षा से हो जाएगा, E9 का संबंध शिक्षा से है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? तो आंसर सी उत्तर कोरिया जो है पहला देश बना ओलंपिक से बाहर होने वाला। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KIR नगाला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो आंसर ये इंडोनेशिया के थे। नेक्स्ट, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो आंसर हो जाएगा, तिबलिसी जॉर्जिया को नामित किया है। नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो आंसर गोवा, गोवा को सभी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गरीबी दर है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, पूरे देश में न्यूमोकल टीके लगाने की कोई योजना है या टीका किसके विरुद्ध है? तो आंसर डी यानी सभी के विरुद्ध, सेफलिस न्यूमोनिया मस्तिष्क शोध। पूरे देश में न्यूमोकल टीके लगाने की योजना है जो कि सेफलिस न्यूमोनिया मस्तिष्क शोध संबंधित है। दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट, इडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 8, इसका सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? तो आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुई निधन निम्नलिखित में सुनित कीजिए। तो इसका सी हो जाएगा, रोहित सरदाना जो कि पत्रकार थे, जबकि जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, और पंडित देवव्रत चौधरी जो है वो सितार वादक थे, जबकि चंद्रो तोमर ये शूटिंग संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट 2000 रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो आंसर बी हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय का पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो आंसर मिस्र, मिस्र में 3000 पुरानी गोल्डन सिटी की खोज की गई। नेक्स्ट, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हंटर बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर सी हो जाएगा, शेख मुजीब रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो आंसर यह हो जाएगा, असम से। नेक्स्ट,
केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर यह रहेगा कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान, जो कि प्रथम स्थान पर रहा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश में किया गया। 14वां बाल फिल्म जो है बांग्लादेश में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर ए हो जाएगा, अजय माथुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करोना अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो आंसर सी, गुजरात हो जाएगा। गुजरात ने करोना अभियान 2021 का शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की? तो आंसर बी, सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो आंसर हो जाएगा 25वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो आंसर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, जिसका नाम है? तो आंसर डी हो जाएगा, शक्ति नाम है। नेक्स्ट, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। इस सम्मेलन का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, जबकि इसके मुख्य अतिथि सूरीनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। नेक्स्ट, हाल ही में COVID-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश की यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी, सभी सही है। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर सी हो जाएगा, सामिया सुला हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में हुई G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो आंसर सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो आंसर बी, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना? तो आंसर हो जाएगा, विजयनगर बना। नेक्स्ट, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो आंसर भारत को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पर्सीवियरेंस रोवर को किस उपग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो आंसर मंगल ग्रह पर
पर्सिवरेंस रोवर को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो आंसर भारत हो जाएगा। भारत के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। मलयालम फिल्म मरकर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। 67 राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट फिल्म जो है मरकर है, जो कि मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट, बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को मिला। मलयालम में मरकर और हिंदी में छिछोरे हो जाएगा। नेक्स्ट, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर ये हो जाएगा, अंशु बीबी और जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सुरक्षा संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डी हो जाएगा, वैशाली हिवासे को। नेक्स्ट, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर सी रमेश पोखरियाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किससे फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान को। नेक्स्ट, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो आंसर सी त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इको साउंडिंग को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो आंसर फ्रांस ने इको साउंड को अपराध बनाने वाला बिल मंजूरी दी है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत किसने की? तो आंसर नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण की उत्सर्जन की खोज की गई? तो आंसर अरुण ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, या किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में FACT समूह संबंधित विद्रोह से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो आंसर सी हो जाएगा, चार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध लोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधीन में किस शहर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया? तो भारत का पहला डिजिटल बजट जो है वो 2021 में लाया गया। नेक्स्ट, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी
2030 तक तैयार करने का योजना है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे न्यूज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। इडुटेरिया करेंट बेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9। दोस्तों, ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप लोग टॉपिक वाइज इस बुक का पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदिएगा, और MCQ करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों सही है। इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया गया? तो आंसर डी हो जाएगा, डेल्टा और कप्पा को नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? तो आंसर रूस हो जाएगा, रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल्ला राशिद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन को ऋण समझौता किया है? तो आंसर बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वर्ल्ड फ्लू को H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12-13 जून को 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो आंसर सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब ने रामायण तथा महाभारत के पाठ्यक्रम को शामिल किया है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आंसर बी, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली ने लैब ऑन व्हील्स का कार्यक्रम का शुरुआत किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने? तो आंसर ए हो जाएगा, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो आंसर सी, सुरेश रैना की आत्मकथा है। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट 2021 जो है किसने जीता? तो बार्सिलोना जो ओपन जो है वो राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? तो आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दो हरित ऊर्जा कौशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बैंक को इंडिया आज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया है? तो आंसर डी हो जाएगा, DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे
अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिडेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर बी हो जाएगा, एमसी मेरी कॉम को। नेक्स्ट, विश्व परिस्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। जबकि इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है कमेंट में जरूर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़क पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर डी आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, CBSE के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर संगोत्रा हरक सिंह थेलसेटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा निर्मित मोटरबाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रक्षिता नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मारवा गोवा तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आंसर ए हो जाएगा 125वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को कुपोषित से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समार अभियान की शुरुआत की? तो आंसर झारखंड ने समार अभियान की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विवो बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में हुई विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सर्वानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में भेजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोगों लापता हो गए और भारी मात्रा में क्षति हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAA द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई?
तो इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनगोजी ओनकोजी इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उसका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नाइजीरिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा वुमेन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो आंसर बी ए हो जाएगा, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? तो आंसर हो जाएगा थॉमस वाच जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट COVID-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ? तो आंसर श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जारी रूप आभासी रूप में ई संता का उद्घाटन किया गया? तो आंसर ये हो जाएगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आंसर आंध्र प्रदेश के कलिंग रत्न पुरस्कार जो है वो बिश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर बी हो जाएगा, सुशील चंद्रा को 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना है? तो आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु में समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना है। नेक्स्ट 2021-22 की किस उपकरण की घोषणा की गई? तो आंसर डी हो जाएगा, कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकरण को। नेक्स्ट और सेट का लास्ट क्वेश्चन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का किताब किसने जीता? तो आंसर बी हो जाएगा, मार्क सेल्बी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 10 जो कि इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक कीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मस्त है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो आंसर सी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगे में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कांगो गणराज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आंसर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए नाप्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा? तो आंसर 49वां स्थान समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर सिद्धार्थ लोंगजाम बने। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर डी, सभी गलत है। नेक्स्ट, 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो आंसर सी हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल करेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई? तो आंसर ये हो जाएगा, ट्राइफेड के द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आंसर सी हो जाएगा, ICICI बैंक पर। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट, मिफलावार 400 क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। नेक्स्ट, यूनेस्को गुलेमो केनो विश्व प्रेसुंतरा पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, मारिया रेसा को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद TV के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डी हो जाएगा, रवि कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद का किस शहर में स्थित है? तो आंसर बी हो जाएगा, यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? तो आंसर ए हो जाएगा, इटली में G20 देशों की पर्यटन मंत्री का बैठक हुआ। नेक्स्ट, ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो आंसर भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने दुकानदारी के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कीर्ति के करंट बनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में TB मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर डी, लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर सी, जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक है? तो आंसर ए हो जाएगा, J.K. रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा, गेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की? तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा
शुरू किया गया, तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्षयान 93-1 किस देश का अंतरिक्षयान है, तो आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा, तो इसका आंसर नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया। नेक्स्ट, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना, तो आंसर डी, उत्तराखंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा रवि गायकवाड़ को विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई, तो आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, तो आंसर सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को DSP नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर डी, हिमा दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई, तो आंसर डी, इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहला है, तो आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल माह में मनाए गए त्यौहार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो आंसर डी हो जाएगा सभी जूरी शीतल जो कि बिहार से संबंधित है, सिगमो गोवा से संबंधित है, विशु जो है वो केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर राजस्थान से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध है। नेक्स्ट, किस अनाज पर MSP के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया, तो आंसर चावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है, तो आंसर ले में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने के मिला हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अभी जो है रात को 1:03 हो रहा है, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी हमारे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।